ये है ईशान नंद किशोर अवस्थी। यहां आ गया हो, आओ अपना बस्ता उठा लो। आज से तुम्हारी जगह यहां मेरी आंखों के ठीक सामने राजन दामोदरन की बगल में। राजन दामोदरन कक्षा में प्रथम आता है। राजन दामोदरन की संगत का तुम पर अच्छा परिणाम हो ऐसी अपेक्षा करता हूं। समझ गए? बैठ जाओ। हाँ। कविता पठन और व्याख्यान आज का विषय 28वां पन्ना दृष्टिकोण। राजन दामोदरन आप कविता पाठ करोगे और ईशानंद किशोर अवस्थी आप कविता का अर्थ समझाओगे। ठीक है, शुरू करो राजन। दृष्टिकोण। ऊपर से देखूं तू है खुला आसमान, बादलों से भरा भरा तेरा ये जहां। जब तक ना तरस जाए पीने को हाथी, या कूद के दिखाए ये मेरे साथी। साइकिल की घंटी या कंकड़ या माटी, या तुझ पे बरस जाए अंधे की लाठी। तब सबको तू दिखे है पानी से लदी, तू तो है तू अपनी प्यारी सी नदी। बहुत अच्छे। हाँ तो ईशानंद किशोर अवस्थी कविता का अर्थ समझाओ। जो दिखता है हमको लगता है, और जो नहीं दिखता हमको लगता है नहीं है, लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता, और जो नहीं दिखता वो होता है। मतलब अरे क्या दिखता है नहीं दिखता है कर रहे हो? मीनू पटेल तुम समझाओ। कवि कहता है कि जब वो नदी को देखता है उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। इस प्रतिबिंब को वह अलग अलग वस्तुओं से भंग करता है और नदी का चित्र फिर से उभर आता है। उत्तम, अति उत्तम। मीनू पटेल बैठ जाओ। हाँ तो बच्चों, ऊपर से देखूं तू है खुला आसमान। एक्चुअली कविता का असली मतलब तो तुमने समझाया, बाकी सबने तो रटे हुए उत्तर दिए। तिवारी सर बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसा वो बताते हैं वैसे ही याद करके सुनाना पड़ता है। तुम साल के बीच में कैसे आ गए?